the Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे कि कौन से दो महान शख्सियतों की आज जन्मदिवस है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मोदी जी का अभियान क्या रंग ला रहा है। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को एक अहम पहल करार दिया है। जी हां, संचार विभाग के निर्देशक गेरी राइस ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के बाद घोषित आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत दिए गए आर्थिक पैकेज ने भारतीय अर्थव्यवस्था का सहारा दिया है और बड़े जोखिम के काम किए हैं। इसके लिए इस पहल को अहम माना है उन्होंने। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, ऐसे में अर्थव्यवस्था में प्रतिद्वंद्विता और दक्षता बढ़ाने को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां अहम हैं। जी हां, बकौल राइस, भारत में मेक फॉर द वर्ल्ड लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिकता होनी चाहिए जो भारत को व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी समेत कई अन्य माध्यमों से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकत्रित कर सकेगी। जी हाँ, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर किए गए अध्ययन में पता चला है कि स्वास्थ्य संबंधी स्थायी विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल खर्च जीडीपी का मौजूदा 3.7% में धीरे धीरे बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी भारत को अधिक समावेशी एवं मध्यकालीन विकास हासिल करने के लिए संग्रहात्मक सुधार की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी का ये अहम पहल बहुत ही कारगर आगे भी साबित होगी। आखिरकार 87 साल बाद राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अमल में आ गया। जी हाँ, चिकित्सा शिक्षा और डॉक्टरों की शीर्ष नियामक संस्था ने शुक्रवार को 1933 में स्थापित भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया, जिसमें अब पूरी तरह वो भंग कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को NMC का पहला अध्यक्ष बनाया गया। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा, जिसकी निगरानी में 4 स्वास्थ्य बोर्ड होंगे जो सकारात्मक और स्रोत कर की चिकित्सा मूल्यांकन, रेटिंग और नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण को लेकर फैसले करेंगे। वहीं बोर्ड ऑफ गवर्नर के महासचिव रहे राकेश कुमार वत्स को अब आयोग का महासचिव बनाया गया है। जी हां, निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50% सीटों पर शुल्क नियंत्रण का नियम भी इसी के साथ ही देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी में चिकित्सा शिक्षा की 50% सीटों पर शुल्क नियंत्रण नियम भी लागू हो चुका है। भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग फेसबुक पर वीरू की बैठक नाम का शो शुरू कर चुके हैं, जिसमें UAE में चल रहे IPL 13 पर वो अपनी राय रखेंगे। फेसबुक ने इसकी घोषणा की। इस शो में सहवाग अपनी क्रिकेट विशेषज्ञता को उनके मजाकिया अंदाज के साथ पेश करेंगे, जो दर्शकों के लिए एक अनोखे मज़ेदार अनुभव की अनुभूति प्रदान करेगा। सहवाग ने इस मौके पर कहा कि वीरू की बैठक का आयोजन करने का मकसद इस साल IPL के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पल को क्रिकेट प्रशंसकों के बीच लाना है, और वो उम्मीद करते हैं कि लोगों का वो मनोरंजन जरूर कर सकेंगे। प्रशंसक वीरू की बैठक कार्यक्रम आधिकारिक फेसबुक पेज और सहवाग के इंस्टाग्राम हैंडल पर हर दिन सुबह देख सकेंगे। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि आपको बताएंगे कि कौन सी दो शख्सियतों का आज जन्मदिवस होता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता देव आनंद में समानता की बात करें तो वो है उनका जन्मदिवस। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में शानदार कामयाबी हासिल की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म आज ही के दिन 1932 को हुआ था। 2004 से 2014 के बीच के प्रधानमंत्री पद पर वो नियुक्त रहे थे। सुलझे हुए अर्थशास्त्री डॉक्टर सिंह को तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने कार्यकाल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों को श्रेय भी जाता है। वहीं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता देव आनंद का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। जी हां, अपने हुनर और अदाकारी को बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता का जन्मदिवस है आज, और 1923 को पंजाब के गुरदासपुर के एक मध्यवर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था। देव आनंद 50-60 के दशक के जाने माने अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी अदाकारी और संवाद अदायकी का अंदाजा निराला है।
हम द डॉन एक्सप्रेस की तरफ से इन दोनों को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। भारतीय मोबाइल हैंडसेट ब्रांड लावा नवंबर में दिवाली से पहले 4-5 स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। लावा ने कहा कि इन स्मार्टफोन के माध्यम से वो त्यौहार का सीजन और मजबूत करना चाहता है। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक नए पोर्टफोलियो में एक डिवाइस 10,000 रुपये से अधिक की कीमत का भी होगा, जिसके माध्यम से कंपनी भारत में अपना दबदबा बना चुकी चीनी कंपनियों को थोड़ी बहुत टक्कर देना चाहती है। मौजूदा समय में लावा 8,000 रुपये के सेगमेंट में आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप को ध्यान में रखते हुए लावा 6,000 से कम, 6,000 8,000 के बीच, 8,000 से 10,000 रुपये के बीच और 10,000 से अधिक सेगमेंट के फ़ोन लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। अहम बात यह है कि पोर्टफोलियो शामिल फ़ोन्स को भारत में डिज़ाइन किया गया है। कंपनी बीते एक साल में भारत में स्मार्टफोन डिज़ाइन करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल के लिए वोकल अनाउंसमेंट के बाद लावा ने मई में कहा था कि वो अपना R&D डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग का काम चीन से भारत शिफ्ट करना चाहता है। जी हाँ, लावा अपने 33% फोन्स को मेक्सिको, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी एशिया में एक्सपोर्ट करता है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की वैगनार भारत की बेस्ट सेलिंग कार बन चुकी है। पूरे देश में CNG कार खरीदने वालों को सबसे ज्यादा यही कार पसंद आ रही है। मारुति सुजुकी इंडिया के मॉडल वैगनार R CNG की कुल बिक्री का आंकड़ा 3,00,000 इकाइयों को पार कर गया है। वह अपने सेगमेंट की सबसे अधिक बिकने वाली कार हो गई है। मारुति सुजुकी ने बयान दिया कि वैगनार अपने बिक्री का आंकड़ा 3,00,000 इकाइयों को पार कर चुका है। ये सभी यात्री वाहन सेगमेंट से सबसे सफल CNG कार बन गई है। जी हाँ, इकाइयों की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसमें करीब आधे ग्राहकों के लिए ये उनकी पहली कार थी। SBI ला रहा है स्कीम, सस्ते में खरीद सकते हैं घर, दुकान और फ्लैट्स। उन्होंने कहा कि वैगनार CNG की 3,00,000 इकाइयों की बिक्री का आंकड़ा एक और उपलब्धि है, वो कंपनी के प्रति ग्राहकों के भरोसे को भी दर्शाता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी POMIS, अगर आप हर महीने मोटी कमाई की इच्छा रखते हैं तो आप निश्चिंत रहें। दरअसल पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना केंद्र सरकार की छोटी बचत योजनाओं के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी स्कीम है जो बहुत ही मददगार साबित होगी। बता दें, केंद्र सरकार ने इस आय वर्ग मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रखकर शुरू किया है। पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना में रकम जमा करने पर हर महीने इंटरेस्ट मिलता है। जानकारों का कहना है, ऐसे व्यक्ति जिनकी किसी भी तरह की रेगुलर इनकम नहीं है, उनके लिए स्कीम फायदे का सौदा साबित हो सकती है। इसके अलावा चूंकि यह वह सरकारी स्कीम है जिसके लिए किसी तरह का भी जोखिम नहीं है। जी हाँ, ग्रेचुटी के लिए अब नहीं करना होगा 5 साल इंतज़ार। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के निवेशक सिर्फ अपने नाम पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस स्कीम के समूह, संस्था, समिति, परिवार के नाम पर अकाउंट खोलने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, एडल्ट, माइनर या चाइल्ड किसी के नाम पर अकाउंट खोला जा सकता है। POMIS कितना मिलता है ब्याज, ये आपको बताना चाहते हैं। POMIS में जमा कर रकम का सालाना 7.6% ब्याज मिलता है। क्योंकि सरकार हर 3 महीनों में ब्याज दरों की समीक्षा करती है, इसलिए ब्याज दरों समय समय पर बदलाव होने की आपकी मासिक आय पर उतार चढ़ाव हो सकता है। ये उन सभी के लिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके लिए फायदे का सौदा है। फिलहाल द डॉन एक्सप्रेस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ, और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप उसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में हमारा चैनल शेयर भी कर सकते हैं। से आभार, डेली हंट डेली हो। नमस्कार।